जी, जहाँ बारिश के मौसम के अंदर बहुत अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, हमारे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो रही होती है, हम खुश हो रहे होते हैं इस तरह के सुंदर सुंदर से फूलों को पाकर। जी देखिए, ये विनका कुछ दिन पहले का रिजल्ट है। जी हाँ फ्रेंड्स, से 2-3 बारिश हुई कि विनका खिल गया, पत्तियों को भी बारिश का पानी मिला, तो पत्तियाँ और फूलों ने कहा कि हम भी कोई कम नहीं, बस कंपटीशन लगा था, कुछ इस तरह से ब्लूमिंग हो रही है। जी देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स आप, कितने अच्छी ये जो है विनका के फ्लावर्स लगे हुए हैं। किसी समय में कुछ एक लेकर के आए थे, और अब फिलहाल देखिए आपके कितने सारे विनका के ये पौधे हमारे पास में हैं। जी हाँ, बड़े इनमें, मतलब ये कहिए कि छोटे छोटे से सीड्स बनते हैं, और उसकी वजह से काफ़ी सारे प्लांट्स बन करके तैयार हो जाते हैं। ये फ्रेंड से दूसरी तीसरी बरसात का माहौल है जब हमारे यहाँ विनका इतनी खिल रही थी, लेकिन फिलहाल जैसे ही कई बार लगातार बरसात होती है तो विनका में प्रॉब्लम भी आनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे से करके पत्तियाँ झड़ने लगती हैं, गिरने लगती हैं, और कुछ और भी प्रॉब्लम आ जाती है। जी फ्रेंड से फंगल अटैक भी हो जाता है। ये एक ऐसा पौधा है जो इतना जल्दी इजी टू ग्रो है, इजी टू केयर है, वहीं बरसात के अंदर ज़रूर कुछ न कुछ ऐसे प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है जिससे कि गार्डनर के लिए एक टेंशन बन जाती है। जी फिलहाल में चलिए विनका की कैसे बरसात के अंदर केयर करें और कैसे आप इतने हेल्दी हेल्दी प्लांट ले पाएँ। जी इस तरह से देखिए, ये विनका हुआ और ये वाले फ्लावर्स हुए, ये सारे के सारे इनके छोटे छोटे से सीड पॉट्स होते हैं और उसी से बन जाते हैं। देखिए ये सीड पॉट है इसका, इस तरह से ऐसे ही विनका का भी होता है, और उससे काफ़ी सारे प्लांट्स जो है इजीली बन जाते हैं। बस ये जड़ते हैं, गिरते हैं, और इस तरह से जो है विनका भी इजीली ग्रो हो जाता है। लेकिन फिलहाल मैं बात कर रही हूँ कि विनका की बरसात में केयर कैसे की जाए। जी हाँ, तो इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें एक्स्ट्रा वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, इसको एक्स्ट्रा वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जी बरसात में ऊपर से भी पानी बरसता है, और हम भी फिर ये देख करके कि हमारा पौधा शायद मुरझा रहा है। जी जैसे पत्तियां गिराने लगता है, ये कुछ पीली होती हैं, तो हम सोचते हैं कि शायद इसमें पानी की कमी हो गई, और इस वजह से और ऊपर से उसको पानी डालते रहते हैं। परिणाम ये होता है कि ये फंगल अटैक हो जाता है। तो पहला तो यही ध्यान रखना है कि हमको बरसात के अंदर जो है वाटरिंग कम से कम करें, ना ज़रूरत नहीं हो तो ना ही करें। जी अगर कई बार बरसात लगातार हो रही है होती है तो भी हमको अपने पौधे को ला करके ऐसी जगह पर रख देना है, यदि वो गमले में हैं तो ऐसी जगह पर ला करके रख देना है जहाँ की सीधी सीधी बारिश का पानी नहीं आए, नहीं तो ज़्यादा बरसात से ये पौधे ज़रूर ख़राब हो जाते हैं, फंगल अटैक हो जाता है। तो एक तो यह है कि ओवर वाटरिंग से बचाना है, इसके लिए आपको शेमी शेड एरिए में भी ऐसी जगह पर रख सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं, जहाँ सीधा सीधा बरसात का पानी इस पर ना गिरे। अपने आप जब तक कि मिट्टी अच्छी तरह से सूख नहीं जाए तब तक इसको पानी आप नहीं पिलाएं। वैसे इसकी ये प्रकृति होती है, ना तो इसके बहुत ज़्यादा सूखना पसंद है, ना इसको बहुत ज़्यादा कीचड़ वाली सी मिट्टी पसंद है। जी नॉर्मली मिट्टी जो है इसको पसंद होती है, तो वैसे तो आपने मिट्टी इसकी इसी तरह से बना रखी होगी जी, कि जिसके अंदर पानी जो है ज़्यादा होल्ड करके नहीं रखे, चिकनी मिट्टी में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आती है। तो अभी फिलहाल अगर आपने चिकनी मिट्टी के अंदर अपने पौधे रोप भी रखे हैं, तो अभी आपके यहाँ बरसात हो रही है जैसे कि हमारे यहाँ हो रही है, तो आप रिवर सैंड लेकर के इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। एक है तो इससे क्या होगा कि पानी होल्ड नहीं करके रखेगी मिट्टी, और इस तरह से जो गलन वाली जो बात होती है पौधों में वो उससे बचे रहेंगे। फिर दूसरा है कि आप अपने गमले को उठा करके इसका जो है ड्रेनेज होल जरूर चेक किया करें। जी ड्रेनेज होल पेचकस से, अगर पुराना है आपका गमला तो आप ड्रेनेज होल को पेचकस से सही कीजिए, वापस से उसको देखिए कि भी हाँ कहीं वो कवर नहीं हो गया हो, कवर हो गया हो तो पेचकस से उसको खोलने की कोशिश कीजिए, खोलिए। और अगर प्लास्टिक का गमला है तो साइड के अंदर भी आप इस तरह से होल कर सकते हैं जिससे कि पूरी तरह से जो भी एक्स्ट्रा वाटरिंग हो वो निकल जाए।
तो इसलिए हमको इस पौधे को इस ऐसी अवस्था में आने से अगर हम बचाना चाहते हैं फ्रेंड्स से, देखिए इसकी पत्तियां धीरे धीरे करके झड़ने लगी हैं, मुड़ने लगी हैं। तो अगर आपका पौधा ऐसा हो भी गया है तो आप सबसे पहले कैंची लेकर के और थोड़ा सा उसमें सैनिटाइजर लगा करके और उसको जो है कट कर दीजिए जी। एक्स्ट्रा जो इस तरह की लीव्स हो गई हैं, जो मुड़ सी गई हैं, बिल्कुल एकदम खराब सी हो गई हैं, उनको जरूर आप कट कर दीजिए, नहीं तो ये जो है फंगस दूसरी दूरी तक फैलती जाएगी। देखिए फिलहाल जैसे ये मेरे इस गमले में हुआ, देखिए मैंने इसकी कटिंग कर दी है और इसके बाद में इसकी गुड़ाई करके मैं इसमें हल्दी पाउडर आधा चम्मच जो है ऐड करूँगी, और तब उस समय थोड़ा बहुत चाहे तो आप आधा कप जितना पानी जो है इसमें डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स जहाँ जहाँ थोड़ा सा आपको लगता है कि इन्फेक्शन हो गया है तो उसको आप कट करने में बिल्कुल भी विचार नहीं करें। तो ये टिप्स थे आज के हमारे विनका की केयर के, जरूर फ्रेंड्स आपको पसंद आए होंगे। और फिलहाल अगर आप विनका को बचाना चाहते हैं तो बस मैं यही कहूँगी कि इसको ओवर वाटरिंग से बचाएं जी। और जहाँ विनका अभी कटिंग से लग भी जाता है वहीं इसमें कई तरह की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती हैं, खास तौर से हाइब्रिड वाले विनका के अंदर। तो फ्रेंड्स सदाबहार पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा और साथ में बताई गई टिप्स कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक के प्रॉपर्टीज रखता है ये पौधा, इसलिए आपने जरूर लगा रखा होगा इसे अपने घर में। आयुर्वेद की दृष्टि से इसके क्या क्या गुण हैं वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल दीजिए फ्रेंड्स से इजाज़त, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद जय भारत। तो नंबर एक, ओवरवाटरिंग से बचाएं, इसे ऐसे एरिया में रखते हैं जहाँ सीधी बरसात का पानी नहीं आए। बारिश हो रही है तो आप वाटरिंग बिल्कुल ना करें, ऊपर पत्तियों को गीला ना करें, फूलों को गीला ना करें, मिट्टी में थोड़ी सी आप जो है बजरी जिसको कहते हैं, रिवर सैंड जिसको कहते हैं, वो जरूर ऐड कर दें। और अगर फिर भी ऐसा हो गया तो आप हल्का हल्का